ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच। आज हमारे चैनल पर जो है 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बाय द वे बहुत टाइम पहले ही हो चुके थे, लेकिन मैं जो है आज वीडियो शूट कर रहा हूं, तो भाई हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 10000 सब्सक्राइबर है। तो जो लोग भी अभी नए आए हो या फिर मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसको फटाफट से क्लिक करके ग्रे कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। बाय द वे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च कॉस्टार की मैड बैंड एंड 30, जो बजट में आने वाली बहुत ही सही नेक बैंड है। बाय द वे आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ पर पहनी हुई है। एंड गाइस, जिस प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर आपको जो फ्यूचर्स देखने मिल जाते हैं ना, लिटरली भाई वो प्राइस पॉइंट पर आपको कहीं और देखने नहीं मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो एंजॉय करता है, लास्ट तक देखना। एंड भाई, अगर आपको एक नेक बैंड की जरूरत है ना भाई 1000 के अंदर, तो आप जो है आंख बंद करके इसको परचेस कर सकते हो। बाय द वे फुल वीडियो देख ही लेना, आपको जो है पता चल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, फाइनली आफ्टर 1 ईयर दिस इज साहिल अजमेरी एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो रात के 10:35 के आसपास जो है कुछ टाइम हुआ है एंड हम हमारी जो है अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके का बॉक्स यहां पर आया है मुझे कॉस्टर की तरफ से। एंड भाई लास्ट टाइम भी जब बॉक्स आया था तो भाई पैकेजिंग बहुत ही सही थी, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे फॉर्म सेट किए गए थे ना, लिटरली भाई आपके बॉक्स को ना एक खरोच भी नहीं आने वाली। तो फटाफट से गाइस अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है दो नेक बैंड देखने मिल जाते हैं, जो कॉस्टर ने अभी जो नई लॉन्च की है वही नेक बैंड है। इसका डिटेल अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड साथ में यहाँ पर आपको जो है एक डायमंड T300 भी देखने मिल जाता है। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं। बाय द वे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी नेक बैंड के बारे में। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको जो है बॉक्स देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर 24 आवर्स का जो है यहाँ पर आपको प्लेबैक देखने मिल जाता है। एंड गाइस, इस नेक बैंड का नाम है मैड बैंड एंड 30। तो आप देख सकते हो साइड में इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 देखने मिल जाता है, हैंड फ्री कॉलिंग भी देखने मिल जाती है, वॉइस असिस्टेंट भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो और IPX5 की यहां पर प्रोटेक्शन देखने मिल जाती है और साथ ही साथ यहां पर आपको जो है टाइप सी का सपोर्ट देखने मिल जाता है। यानी यहां पर पीछे भी कुछ इसके हाइलाइटिंग फीचर आपको देखने मिल जाते हैं। तो चलो फटाफट से गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाय द वे गाइस, इस दोनों नेक बैंड की अनबॉक्सिंग करने से पहले यहाँ पर हमारे जो T300 ईयरबड्स है उनकी क्विक अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। बाय द वे जो है मेरे पास बहुत टाइम पहले आया हुआ था, मैं एक जो एक्चुअली मेरे घर में यूज कर रहा हूँ बट मुझे जो एक व्हाइट कलर में चाहिए था, तो भाई जो है कॉस्टर ने वो भी सेंड कर दिया, तो भाई थैंक यू सो मच। तो फटाफट से इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल पर जा सकते हो, मैंने रिसेंटली ही वो वीडियो बनाया था, तो भाई वो जाकर चेकआउट कर लेना, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं, आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर कॉस्टार का जो है कुछ यूजर मैनुअल इनविटेशन लेटर यहां पर आपको देखने मिल जाता है। यूजर मैनुअल में आपको जो है सारी चीजें देखने मिल जाएगी कि किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से पेयर करना है एंड वगैरह सारी चीजें देखने मिल जाएगी। एंड फटाफट से बात करते हैं हमारे बॉक्स के कंटेंट की। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो है एक USB 2 Type-C चार्जिंग केबल देखने मिल जाता है, जिससे आप इस ईयरबड्स को जो है चार्ज कर सकते हो। एंड साथ में यहां पर आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप देखने मिल जाती है, मीडियम वाली जो अभी हमारे ईयरबड्स में लगी हुई है इसके अंदर। आपको यहां पर मैं आपको खोल के दिखाता हूं, यहां पर आपको स्मॉल एंड लार्ज वाली जो है ईयर टिप्स देखने मिल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लार्ज वाली एंड स्मॉल वाली ईयर टिप्स है, मीडियम वाली जो है हमारे ईयरबड्स में लगी हुई है। तो फटाफट से गाइस ईयरबड्स को भी ओपन करते हैं। एंड भाई मुझे व्हाइट कलर बहुत ही सही लग रहा था, भाई आप देख सकते हो बहुत ही सही लग रहा है व्हाइट कलर। एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको व्हाइट कलर देखने मिल जाता है। एंड फटाफट से इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको ग्रेइश फिनिश देखने मिल जाती है, वो भी मतलब शाइनी कर रही है। तो आप देख ही सकते हो गाइस मतलब कितना सही लग रहा है। बाय द वे इसका डिटेल रिव्यू जो है मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख लेना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब गाइस हम बात करते हैं हमारे जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कॉस्टार की तरफ से, उस नेक बैंड के बारे में। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बॉक्स यहां पर आपको देखने मिल जाता है। इस नेक बैंड का नाम है गाइस मैट बैंड एंड 30 एंड यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहां पर देखने मिल जाता है। साइड में यहां पर आपको कुछ की हाइलाइटेड फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर अपने मिल जाता है। इससे पहले हम वो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फटाफट से गाइस जो है हम इसको यहां से निकालते हैं।
बॉक्स के अंदर आपको ये एक यूजर मैनुअल दिखने मिल जाता है जहां पर लिखा है कॉस्टर ड्रीम बिग। तो फटाफट से इसको ओपन करते हैं। ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको जो है पूरा मैनुअल देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है सारी चीजें देखने मिल जाएगी इस नेक बेड के अकॉर्डिंग, किस तरीके से इसको पेयर करना है, किस तरीके से इसको जो है चार्ज करना है, एंड सारी चीजें आपको इस मैनुअल में देखने मिल जाएगी। साथ इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने मिल जाती है, जो एक्स्ट्रा लार्ज है और स्मॉल वाली देखने मिल जाती है, जो मीडियम है वो आपको जो है नेक बैंड के अंदर ही देखने मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग के लिए एक वायर देखने मिल जाता है जो USB 2 टाइप सी है, इससे आप जो है इजीली अपनी नेक बैंड को जो है चार्ज कर सकते हो। फर्स्ट लुक की बात करें ना गाइस, तो डिज़ाइन काफ़ी सही है एंड बिल्ड क्वालिटी भी लिटरली बहुत ही सही है। मतलब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी देखने मिल जाती है। साथ ही साथ जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सही है एंड इसका जो ब्लू वाला कलर है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट वाइब करता है। आप देख सकते हो ये डार्क ब्लू भी नहीं है एंड लाइट ब्लू भी नहीं है, ये बहुत ही सही तरीके का कलर लगता है। एंड गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने मिल जाता है। लेफ्ट पर यहाँ पर आपको कोस्टर की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है एंड ये वाला जो प्लाट है वो आप देख सकते हो ग्लॉसी है थोड़ा, मतलब थोड़ा शाइनिंग कर रहा है। एंड राइट साइड पर यहाँ पर आपको जो है गाइज बटन्स देखने मिल जाते हैं, ये मल्टी फंक्शनल बटन है। यहाँ पर आपको जो है ऑन एंड ऑफ का बटन देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का बटन देखने मिल जाता है। यहाँ से आप अपने म्यूजिक को प्लान पॉज भी कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट को भी जो है कंट्रोल कर सकते हो एंड कॉल पिक कर सकते हो और एंड भी कर सकते हो। बट इस नेक बैंड का जो नेक्स्ट लेवल वाला फ्यूचर है जो मुझे आज तक कोई भी नेक बैंड में देखने नहीं मिला, वो है गाइस इसका बेस बटन। आपने कभी, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपने कभी नेक बैंड में देखा है कि आपको जो एक बेस का बटन देखने मिल जाता है। लिटरली मैंने जो है 3-4 ऐसे गाने ट्राई किए थे जो आपको बेस वाले देखने मिल जाते हैं एंड गाइस इस बटन को क्लिक करने के बाद लिटरली मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने मिला और बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट देखने मिल गया बेस में, और बिल्कुल अलग तरीके का आपको एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा इस बेस बटन के साथ। तो भाई लिटरली जिनको बेस वाले गाने बहुत ही पसंद है ना, नेक बैंड को जो है ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब जैसे भी हम थोड़ा करीब लेके जाते हैं तो लिटरली बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये कैचअप कर लेता है एक दूसरे को एंड यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सही तरीके के कलर कॉम्बिनेशन देखने मिल जाते हैं और डिजाइन और लुक में ये नेक बैंड जो है काफी सही है। एंड यहाँ पर जो इसके वायर की लेंथ है वो भी मुझे काफी सही लगी। मैं अभी रिसेंटली वाली जो नेक बैंड यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे इतने लंबे वायर नहीं देखने मिलते, बट इसकी जो है वायर की लेंथ काफी सही है और काफी कंफर्टेबल है और जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। गाइस बात करें ईयर टिप्स की तो यहाँ पर आपको 10mm के ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सही है, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट ब्लू का जो है यूज़ किया हुआ है एंड यहाँ पर जो है आप देख सकते हो काफ़ी मतलब शाइनी सा पार्ट है और इनका जो मैग्नेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल, आप देख सकते हो थोड़ा भी कनेक्शन में ले जाते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। एंड गाइस जब हम बात करें यहाँ पर इस नेक बैंड की बैटरी लाइफ की, तो अगर आप इसको जो है रेगुलर यूज़ करते हो मतलब नॉन स्टॉप यूज़ करते हो ना गाइस, तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है आपको 24 आवर्स का प्लेबैक देखने मिल जाता है, लेकिन गाइस जब मैंने इसको ट्राई किया तो भाई लिटरली 22-23 आवर्स का मुझे जो है नॉन स्टॉप जो है यहाँ पर प्लेबैक टाइम देखने मिल जाता है। दूसरी नेक बैंड की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर देखने मिल जाता है, जब भी आप इसके ईयर टिप्स को जो है कनेक्ट कर देते हो मतलब ज्वाइंट कर देते हो मैग्नेट को, तो मान लो आप कोई भी गाना सुन रहे हो, मतलब आप कोई भी मतलब वीडियो देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो जो है वीडियो या फिर जो भी वो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा एंड जब आप इसको जो है डिस्कनेक्ट करोगे, डिस्कनेक्ट नहीं मतलब अलग करोगे, तो वहाँ से ही प्ले होगा। तो काफ़ी सही है अगर आप मतलब वो चालू बाइक पर हो या कहीं पर भी ऐसे गाने सुन रहे हो जहां पर आप अपना स्मार्टफोन को जो है मतलब टच नहीं कर सकते या फिर यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो है ये चीज आपने मतलब जहां से वो वीडियो छोड़ा होगा या फिर गाना जहां से ही पॉज हुआ होगा वहां से भी स्टार्ट होगा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा और प्रीमियम फ्यूचर लगा। तो गाइस वो तो था ब्लू वाला वेरिएंट, बट यहाँ पर जो है मेरे पास एक ब्लैक वाला वेरिएंट भी है, तो जो लोगों को भी ब्लू वाला मतलब थोड़ा वाइब नहीं कर रहा है, जिन लोगों को ब्लैक यूज करना है तो भाई एक्साइटेड हो जाओ, तुम्हारे ये ब्लैक वाला है। तो भाई इसको जो है मैं ज्यादा कुछ बताने वाला तो नहीं हूँ क्योंकि फ्यूचर तो भाई तुम्हें सब पता ही है, तुम्हारे तो इसके एक एक फ्यूचर पता चल गए होंगे। तो फटाफट से गाइस इसको जो है अनबॉक्स करते हैं एंड आपको जो है मैं थोड़े सिनेमैटिक दे देता हूँ। देखने
देखने जाए तो भाई नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, साउंड सिस्टम भी काफी सही है, एंड भाई जो फ्यूचर्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं वो भी काफी तगड़े है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है 799 रुपए में। एंड अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक कूपन कोड देखने मिल जाएगा, आप जब भी शॉपिंग करो तो वो कूपन कोड को अप्लाई करना, आपको जो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। तो भाई साहब काफी अच्छी नेकबैंड है, मैं भी इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, बैटरी भी काफी सफिशियंट है, मतलब अगर आप नॉन स्टॉप यूज करते हो ना तो भी 24 आवर्स का यहाँ पर आपको प्लेबैक देखने मिल जाता है, तो काफी सही पैकेज यहाँ पर देखने मिल जाता है। और भाई मेनली जिस प्राइस पॉइंट पर आपको देखने मिल जाता है तो बहुत ही बजट फ्रेंडली ये प्रोडक्ट है, तो आपको जरूर से जो है ट्राई करना चाहिए। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज यार एक लाइक छोड़कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना, एंड अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का नाम जो है कमेंट कर देना, जो हो सकेगा तो मैं जो है उस पर वीडियो बना दूंगा। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था।